अस्सलाम वालेकुम चांद मोबाइल से, आपसे मैं हूँ इलियास राव। आज हमारा इजी जे टेक का लेसन नंबर 13 है। आज के लेसन में मैं आपको किसी भी मोबाइल की डंप फाइल बनाने का परफेक्ट मेथड बताऊंगा। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सैमसंग के मोबाइल J250F की डंप फाइल हम बनाएंगे जो मुस्तकबिल में इस मॉडल का डेड बूट रिपेयर करने के काम आएगी, लेकिन इससे पहले हमें अपने मोबाइल को रूट करना होगा। रूट करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लेकिन मैं EFT डोंगल यूज़ करूँगा। EFT डोंगल के जरिए रूट करने के लिए हमें सेम वर्जन की बूट फाइल की ज़रूरत होती है, जिसे हम फर्मवेयर फाइल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और EFT डोंगल की स्पोर्ट्स एरिया से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में XXU2ARD3 वर्जन इंस्टॉल्ड है, इसलिए हम सेम यही फाइल डाउनलोड करेंगे। boot.img फाइल को डाउनलोड करने के बाद हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम EFT डोंगल के मेक रूट की टेब में आएंगे। मेक रूट कर्नल पे क्लिक करेंगे और boot.img फाइल जो हमने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट की थी वो फाइल सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ऑपरेशन कंप्लीटेड। अब अपने मोबाइल को डाउनलोड मोड में लगाएंगे। इसके बाद EFT टैब सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक फाइल हमें मिलेगी boot.eft। ये फाइल हमने फ्लैश करनी है अपने फ़ोन पे। यहाँ से boot.eft फाइल सिलेक्ट करेंगे। इस फाइल को मोबाइल पे फ्लैश कर देंगे। ये फाइल फ्लैश होने के बाद मोबाइल नॉर्मल मोड में ऑन होगा और हमारा मोबाइल रूट हो चुका है। अब हम रूट कंफर्म करने के लिए मोबाइल को ADB मोड में कनेक्ट करेंगे तो इस विंडो में हम देखेंगे हमारा मोबाइल रूट हो चुका हुआ है। रूट करने का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अब हम अपने मोबाइल की डंप बनाना शुरू करेंगे। मोबाइल में डायग पोर्ट को ओपन करने के लिए हमें डायल करना होगा *#0808# DM+modem+ADB। ये सिलेक्ट करेंगे तो हमारे मोबाइल की डायग पोर्ट ओपन हो जाएगी। पहले हम EFS, QCN और सिक्योरिटी का बैकअप बनाएंगे। Z3X Samsung Tool Pro में काम की पोर्ट में आके काम पोर्ट सिलेक्ट करेंगे और ADB की टैब में आके यहाँ पे हम ADB में अपना मोबाइल डिटेक्ट करेंगे। सबसे पहले EFS फाइल का बैकअप बना लेते हैं। इसके बाद हम QCN का बैकअप बनाएंगे। और लास्ट में हम सिक्योरिटी फाइल का बैकअप बनाएंगे। इन तीनों फाइल्स को यहाँ से हम कॉपी करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में जिस जगह भी सेव करना चाहें
वहाँ पे हम ले जाएंगे। मुस्तकबिल में डेड बूट रिपेयर करने के बाद IMEI फिक्स करने के लिए इन फाइलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सैमसंग टूल प्रो को हम क्लोज कर देंगे और इजी जे टेक टूल को लॉन्च करेंगे। मोबाइल फ़ोन को ऑन कंडीशन में पीसी के साथ अटैच करेंगे और इजी जे टेक टूल के अंदर हम USB टूल में आएंगे। यहाँ पे डिटेक्ट ADB सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे फ़ोन मैन्युफैक्चरर सैमसंग और मॉडल नंबर J250F और प्लेटफार्म क्वालकॉम। इसके बाद डिटेक्ट पार्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन की तमाम पार्टीशन शो होंगी, जिस पार्टीशन का हम चाहें डंप फाइल बना सकते हैं। ये मॉडल क्वालकॉम CPU में है तो इसलिए हमें इसके मेन यूज़र एरिया का डंप फाइल बनाना होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ROM1 इसे हम सिलेक्ट करेंगे। चाहें तो हम तमाम की तमाम ROM1 का बैकअप बना सकते हैं, वरना 512 MB ये काफ़ी होता है। लिमिट डंप साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 512 MB। इसके बाद डंप पार्ट पे क्लिक करेंगे तो डंप फाइल का बैकअप बनना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे हमें इसे सेव करना है उस लोकेशन को हम सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, उसी फ़ोल्डर में हम फाइल को सेव कर लेंगे। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइंदा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।